हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो किसी मॉडिफिकेशन या फिर किसी रिव्यू के ऊपर नहीं होने वाला है, वो होने वाला है एक ओनरशिप एक्सपीरियंस के ऊपर। ओनरशिप एक्सपीरियंस किस तरह का, मैंने जो फॉग लैम्प्स 6 LED ऑटो 5 के जो 6 LED फॉग लैम्प्स है वो जो परचेज़ किए थे उसको अभी लगभग 1.5 साल हो चुका है और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इसका जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है, बैटरी कैसा परफॉर्म करी है इसको लगाने के बाद, और जो इसकी ब्राइटनेस है चेंज हुई है या नहीं, जो अभी टाइम स्पैन गुजरा है वो यूज़ करने के बाद इसका जो ब्राइटनेस, इसका जो पावर है वो चेंज हुआ है या नहीं, मतलब डिम हुआ है, लो हुआ है, ये सब आज मैं वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ और कंपेयर भी करेंगे पहले कैसा था अभी कैसा है। और अभी ज़्यादा मतलब बहुत चला लिया है मैंने फॉग लैम्प्स को और अभी भी जो कंडीशन है मतलब मैं कहूँगा कि ब्रांड न्यू ही लग रही है, मतलब जो ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है उसको थोड़ा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि बहुत से मैंने रफ़ कंडीशंस में भी गाड़ी चलाई है। ये बेसिकली हम बात करेंगे जो फॉग लैम्प्स की जो कंडीशन है उसके बारे में, उसकी ब्राइटनेस, उसका डिम, वो डिम हुआ है या फिर अभी भी उसका पावर बरकरार है वैसे ही जैसे पहले था, और इसका एक नाइट रिव्यू भी रहेगा और एक वाटरप्रूफ टेस्ट भी रहेगा। जो नाइट रिव्यू में रहेगा उसका जो फॉग लैम्प्स का जो ब्राइटनेस है वो आप चेक कर सकते हैं, और वाटरप्रूफ टेस्ट में तो मैंने पहली बार भी आपको एक वाटरप्रूफ टेस्ट दिया था इसके रिव्यू के टाइम पे, और एक बार मैं फिर से वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाला हूँ। अभी रेनी सीजन चल रहा है और वैसे तो वाटरप्रूफ टेस्ट होता ही रहता है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, बारिश में तो मोस्टली भीग ही जाता है वो लाइट, ऑलमोस्ट भीग जाता है, और अभी तक तो मुझे ऐसा मतलब कोई इशू आया नहीं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि उससे कुछ सर्किट या फिर वायरिंग डैमेज हुई है या नहीं, अभी तक तो मुझे वैसे कुछ वायरिंग का जो है इशू आया नहीं है अभी तक, और बैटरी पे भी अभी तक कोई मतलब लोड एकदम ज़्यादा आया नहीं है लोड। सो फॉग लैम्प्स तो मैं कहूँगा एक बिग थम्स अप ऑटो 5 के लिए क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉग लैम्प्स हैं मैंने देखा है अभी तक, अभी तक तो अच्छे खासे चल रहे हैं और 6 महीने तो हो चुके हैं, वारंटी अभी एक्सपायर हो चुकी है, बट अभी तक फॉग लैम्प्स जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। बस इसके जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा सा इफेक्ट आया है, इसका जो मतलब ग्लास होता है, जो क्लियर ग्लास रहता है जिससे रोशनी बाहर निकलती है, वो थोड़ा सा मतलब मिट्टी विट्टी अंदर चली गई है, तो थोड़ा सा मतलब वाटरप्रूफिंग का इशू आ सकता है इसके लिए। मैंने थोड़ा सा एक ग्लू गन जो रहती है, ग्लू गन से थोड़ा मतलब बाहरी सरफेस जो है सील कर लिया है अच्छे से। सो अभी अच्छे से रात हो चुकी है और हम लोग आए हैं टेस्ट करने जो LED है, फॉग लैम्प है, 6 LED फॉग लैम्प ऑटो 5 का। सो ये अभी भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है जैसे पहले परफॉर्म करता था। सो अभी ये जो वीडियो आप रहेगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये अभी टोटल रात का जो सीन है उसका है। सो पहले मैं बाइक जो है वो ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए बाइक ऑन हो चुकी है। अब इसका मैं जो है स्टॉक हेडलैम्प दिखाऊंगा, स्टॉक हेडलैम्प की हाई बीम, और फिर उसके साथ जो है 6 LED फॉग लैम्प्स ऑन करूँगा। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है वो पहले मैं दिखाऊँगा, और फिर बाद में जो है हेडलैम्प ऑफ करके मैं सीधा सिर्फ फॉग लैम्प्स पे डिपेंड करने वाला हूँ। फॉग लैम्प्स की विजिबिलिटी क्या है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये इसकी स्टॉक जो हेलोजन है वो है इसकी पहले, ये आप देख सकते हैं जो हेलोजन की जो बीम है ये नॉर्मल है बीम, और फिर हम अब लगाएंगे फॉग लैम्प्स। तो आप देख सकते हैं जो विजिबिलिटी है अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पहले थी अभी भी वही जो विजिबिलिटी है अभी भी मेंटेन्ड है। सो अभी मैं जो हेडलैम्प है वो ऑफ़ कर दूंगा, देखिए अभी भी विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, सामने का पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है,
और अभी बारिश का सीज़न है तो कुछ जगह पे पानी भी है। सो अभी मैं सामने से भी दिखा देता हूँ अभी। सो ऐसा कुछ लग रहा है ये। सो ये ऐसी कुछ विजिबिलिटी है हेडलैम्प की। हेडलैम्प एक लिमिटेड रीच तक ही जा रहा है, लिमिटेड डिस्टेंस तक ही रीच हो पा रही है। जो लाइट है वो लिमिटेड डिस्टेंस तक ही जा पा रही है। और अभी जब अगर हम फॉग लैम्प्स ऑन करेंगे सो ये उसका फॉग लैम्प्स का थ्रो है। अभी देख सकते हैं आप, हेडलाइट भी ऑन है, फॉग लैम्प्स भी ऑन है। सो ये इसका जो अभी ब्राइटनेस है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी हालत में जो है कम हुआ है ब्राइटनेस। अभी भी मतलब जैसे पहले था वैसा ही है अभी तक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे, तो और कमेंट करो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।